सुदर्शन अयंगार एक अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो गांधी जी के जीवन और कार्य पे अध्ययन करते हैं। जो हमारी बचपन की जो यादें हैं वो सारी उस गांधी युग के एक एक्सटेंशन की तरह है। तो जो हमारे स्कूल चलाते थे, शिक्षक थे, मुझे याद है कि मैं पहली से पांचवी जहां तक पढ़ा वहां भी सारे शिक्षक खादी पहनते थे, सिंध से आए थे, खादी पहनते थे। और आदर्श महाविद्यालय जहां मैंने 6 से 11 तक की पढ़ाई की वहां भी खादी पहनने वाले शिक्षकों की संख्या बड़ी थी। और दादा दुखायल जो है वो मैत्री मंडल के प्रमुख थे, जिन्होंने जय जगत जो लिखा है वो हमारे दादा दुखायल हैं। तो वहां तक बात जाती है, तो अब आपको पता चल गया कि हमारे संस्कार कोई गांधी का नाम ले जरूरी नहीं था। कि मैं क्यों हिंदू मुस्लिम के झगड़े में जो है वो नहीं मानता, मैं क्यों कौमी नहीं हूं। तो मुझे ये समझ आया कि ये मेरी जो पूरी जमात थी शिक्षकों की और मेरे आसपास के जो परिवार थे जिनके साथ मतलब दोस्ती हुई, उनके घर आना जाना हुआ, सिंधी लोगों के बीच उठना बैठना हुआ, उसमें से शायद ही किसी ने मुसलमानों के बारे में कोई खराब बात निकाली थी। मेरे सारे शिक्षकों ने तो मुझे याद पड़ता है कभी ये कहा भी था क्लास में कि जो हो गया सो हो गया, इसमें ऐसी गलतियां इतिहास में होती हैं, पर हम इसका मतलब ये नहीं कि हम घृणा और द्वेष के साथ सारा जीवन जिएंगे। तो गांधी जो है वो प्रेम का संदेश लेकर के आया है, हम लोग लुट पिट करके आए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर हम अपनी नई जिंदगी गांधी की सोच से ही शुरू करें। किसी भी शिक्षक ने मुझे ये नहीं कहा कि मुसलमान गलत थे, उनको मारना चाहिए, उनसे द्वेष रखना चाहिए। जो प्रजा दुखी होकर के आई थी उसका ये मतलब ये उनका दर्शन देख करके, उनकी ये दृष्टि देख करके स्वाभाविक तौर पर जो है वो रुझान झुकाव जो है वो अहिंसा में, मतलब हिंसा जो है वो जवाब नहीं है। शौर्य जरूर है, शूरवीरता को हमने कमजोर नहीं समझा, क्योंकि हमको इस देश की शूरवीरता जो है वो हमेशा ये प्रभावित करती रही। जब 10-10 ने एक को मारा, मतलब वो गीत जो है वो है मेरे वतन के लोगों वाला, और जितने भी ऐसे शौर्य गीत थे उन शौर्य गीतों ने हमको कायर नहीं बनाया, अपनी शूरवीरता का पूरा ध्यान रहा। पर हमारे मन में कहीं ये बात थी कि समाज की जो प्रक्रिया है, समाज का जो निर्माण है और समाज का जो व्यवहार और निर्वाह है वो तो अहिंसा से ही, प्रेम बल से ही हो सकता है। हम तो इस दुनिया के आदमी थे, हम तो अपनी युवा अवस्था में जो है वो चे गुवारा को भी समझते थे, बीड़ी भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, अपने आप को क्रांतिकारी भी मानते थे, साथ साथ में अहिंसक भी थे। तो हमारा तो इतना कॉन्ट्रडिक्शन था कि हमारी चर्चाएं गर्म जोशी से हुआ करती थी पर वो चाय और चार मीनार पे होती थी। तो हम लोगों को ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता था कि भाई ये व्यक्ति स्वराज की, पर समझ में आता था कि संयम बहुत बड़ी चीज है। ये जो शूरवीरता की जो बात हो रही थी उसमें ये है, शूरवीरता जो है वो हिम्मत जो है नैतिक हिम्मत है और शारीरिक हिम्मत है। शारीरिक हिम्मत जो है वो किसी को सीधी हिंसा में वार कर सकती है, पर नैतिक हिम्मत जो है वो वार सहन करने की ताकत रख सकती है। बिहार आंदोलन के अंदर क्रांतिकारी और शांत क्रांतिकारी या अहिंसक क्रांतिकारी की भूमिका से ही जयप्रकाश जब अपने हाथ में लाठी का वार सहन करता है, वहां से नारा निकलता है, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। और इस भूमिका को अगर हम भूल जाएंगे तो सत्ता जो है वो हमेशा अपनी बात को सच साबित करने के अपनी कोशिश में हमेशा दबाने की कोशिश करेगी और उसमें वो उस हथियार का भी प्रयोग करेगी, पर उस हथियार के सामने खड़े रह करके अहिंसात्मक संघर्ष और सत्याग्रही का एक प्राण ये है कि वो सहन करेगा। और कहां तक सहन करेगा? अपने आप को मिटा देने तक सहन करेगा। तो जब तक इस प्रजाति की, इस मनुष्य नामक प्रजाति की फितरत में अहिंसा है,
तब तक हिंसा जरूर प्रकट होगी, बंद नहीं होगी, पर उसकी फितरत अहिंसा होने की वजह से कभी भी ये अहिंसात्मक तौर पर जो है हम अपना वातावरण नहीं बनाएंगे और अहिंसात्मक तौर पर हम अपना संघर्ष नहीं करेंगे, ये भूमिका कभी खत्म होती नहीं है। ये हमको समझना है। जितने भी संस्थिकृत धर्म पैदा हुए हों या संप्रदाय पैदा हुए हों, सभी में प्रेम का संदेशा है, चाहे वो कबीर हो जो कह रहा हो कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ऐसे लेकर के सारी बातें गीता में भी हिंसा और अहिंसा का विवाद नहीं है। अर्जुन जो है वो हिंसा और अहिंसा की बात कर रहा हो ऐसा नहीं है। अर्जुन क्या सभी शांति प्रिय है? वो ये नहीं कह रहा कि मैं हिंसा अहिंसा के बीच में फंस गया हूं, वो कह रहा है कि मैं अहिंसा के धर्म और कुल धर्म में फंस गया हूं। मेरा कुल धर्म ये कहता है कि मैं स्वजन को नहीं मार सकता, और मेरा जो है वो कर्तव्य ये कह रहा है कि मुझे अन्याय के सामने लड़ना है। सारी महाभारत जो हिंसा बता रही है, वो उसी महाभारत में कहा जा रहा है अहिंसा परमो धर्म। परम धर्म तो अहिंसा है, पर एक आपात धर्म है। उस आपात धर्म के लिए मैं कर्तव्य से जो कर रहा हूं उसमें ये संभावना अगर आती है तो मैं लड़ाई से पीछे भागूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं उसको टालना चाहता हूं, मुझे ये तरीका पसंद नहीं है। तो इसीलिए इस एक दो बातें मैं कह रहा हूं, इस देश की माटी में और मनुष्य की फितरत में, तो इस देश की तासीर और मानव की फितरत दोनों में जो है अहिंसा है, इसीलिए खत्म नहीं होगा।